जब ये पैनक्रीटाइटिस यानी अग्नाशय के कैंसर की बात सामने आती है तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये अग्नाशय की सूजन है। अग्नाशय में पाचन एंजाइमों का उत्पादन एक जरूरी काम है। अब अगर आपके शरीर में सही मात्रा में एंजाइम का उत्पादन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि खाना नहीं पच रहा है, वो डक्ट में ब्लॉक हो जाता है। ये डक्ट में सक्रिय नहीं होना चाहिए, ये छोटी आंत में सक्रिय होना चाहिए। इससे डक्ट में सूजन आने लग जाती है। पैनक्रीटाइटिस बहुत दर्दनाक है और क्योंकि ये सूजन जारी रहती है तो कोशिकाओं का म्यूटेशन और एक ट्यूमर का विकास होता है। अग्नाशय में सूजन का कारण क्या है? कॉफी, चाय, स्टिमुलेंस, रेड बुल, गैस से भरी ड्रिंक्स, शक्कर, सफेद नमक का लगातार सेवन, कुछ भी जो मानव शरीर में किसी भी अंग के सेल्यूलर लाइन को परेशान करता है, NSAIDs, ये दर्द निवारक हैं। उन सभी युवा लड़कियों के लिए जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं। फिर आपके पास स्टेरॉइड है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को स्टेरॉइड लेना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप स्टेरॉइड पर हैं या नहीं। आप मानव शरीर में सूजन और एसिडिटी को कम करने का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? एंजाइमों में कमी के कारण जब हम लगातार ओवरईटिंग कर रहे हैं, लगातार बिना चबाए खा रहे हैं, जब हम अग्नाशय को ज्यादा एंजाइम्स उत्पादन करने के लिए मजबूर करते हैं तो एंजाइम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जितने कम एंजाइम्स होते हैं उतना ही अग्नाशय पर वजन पड़ता है, इससे पाचन पर बुरा असर पड़ता है और सूजन बढ़ जाती है। इसका हल क्या है? फिर से कच्चे फूड, फल, सब्जियां, नट, बीज, रिफाइंड सॉल्ट से दूर रहें और गुलाबी या सेंधा नमक या काले नमक का इस्तेमाल करें। ये ऐसे लवण हैं जो मानव शरीर में सूजन को संतुलित करते हैं। आपको शरीर में वसा की सही मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम अपरिष्कृत फिल्टर्ड कोल्ड प्रेस्ड नारियल के तेल MCD के तेलों को देख रहे हैं। हम आपके सरसों के तेल, मूंगफली के तेल, जैतून के तेल को देख रहे हैं जो उच्च गुणवत्ता का है और परिष्कृत नहीं है। हम शुद्ध घी देख रहे हैं। ये सभी मानव शरीर में सूजन को कम करते हैं। कुरकुरी सब्जियां जैसे फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गोभी, ये सभी सल्फर से भरपूर सब्जियां हैं जो अग्नाशय में सूजन को कम करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी होती हैं। आप नींबू, हल्दी, अदरक, धनिया, इलायची जैसी चीजें देख रहे हैं जो आप एक संतुलित भारतीय आहार में खाते हैं। आपका पेट का अम्ल स्वाभाविक रूप से सही तरीका है। भोजन के दौरान आप अम्लीय होना चाहते हैं, भोजन के बाद का समय आप क्षारीय होना चाहते हैं। कोलेजन उत्कृष्ट है। यदि आप प्रोटीन वाले हैं तो 8 से 12 घंटे के अंतराल पर प्रोटीन लें। पपीता, अनानास, सेब, साइडर, सिरका, दही, अदरक, फल जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भी पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। जब आप अत्यधिक शराब पीते हैं, जब आप अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, आप इस जंक फूड का अत्यधिक सेवन करते हैं, आप सिर्फ पाचन आहार को कम कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक एंजाइम की कमी से असंख्य समस्याएं हो सकती हैं।